Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. बंदोबस्त बढ़ा दो, हर गाड़ी चेक करो, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे उस आदमी की गिरफ्तारी तुरंत चाहिए बस। क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? मिस्टर विशाल अग्निहोत्री, मैं अदालत में इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। तुम जैसे खूनियों की पैरवी करने के लिए तालीम नहीं लिया मैंने। आपके बारे में सब जानता हूँ मैं, कितने गुनहगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत ली आपने, सब जानता हूँ। अब खुद को नंगा करने में ज्यादा वक्त मत लो खुराना, साफ साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए, 5 करोड़, 10 करोड़? ठीक है, तुम अपना कमिटमेंट पूरा करो और पुलिस को सरेंडर करो। लॉर्ड, ये नौजवान पुलिस की जाती दुश्मन का शिकार हुआ है। कुछ अरसे पहले नाला चौक पुलिस स्टेशन में इसने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी, वहां उसकी पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई था। फिर पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने और अपना सिक्का जमाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड़ दिया था। बस बिलॉर्ड, मैं चाहता हूँ इस नौजवान के साथ और ज्यादती न की जाए। अदालत में इस मामले की अब तक हुई कार्यवाही पर गौर करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है जिसके आधार पर मुलजिम विशाल अग्निहोत्री को कातिल माना जाए, लिहाजा ये अदालत विशाल अग्निहोत्री को बाइज्जत। नहीं भागूंगा यहाँ से। ये जगदीश खुराना, इसने इस अदालत में यह साबित कर दिया कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। नहीं, मैंने एक नहीं चार चार खून किया। मैंने 10 करोड़ रुपए लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए, मैंने कानून से बचने के लिए नहीं, कानून की आंखें खोलने के लिए अपना केस इसके हाथों में दिया था। कई सामाजिक संगठनों और बड़ी हस्तियों की मांग पर सरकार विशाल अग्निहोत्री के केस के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर रही है। मिस्टर विशाल, ये कमेटी तुम्हारे मामले से जुड़े दूसरे पक्ष को भी देखना चाहती है और हमें यकीन है कि तुम पूरा सहयोग दोगे। आज यहाँ कानून का हर आदमी सच्चाई, ईमानदारी और मर्यादा को ताक में रखे जुबान पर इन लफ्जों को लिए घूम रहा है। अगर कानून कहीं कुछ होता तो मेरे नाम के साथ अपराधी नहीं जुड़ता। कई खूनों के इल्जाम अपने सर पे लिए बैठा हूँ, खूनी बनने के संस्कार मुझे घर से नहीं मिले। मेरे पिताजी एक स्कूल मास्टर थे। नमस्ते, नमस्ते राणा। कहिए राणा साहब, ये लोग मलाड़ ईस्ट आजादपुर नगर झोपड़पट्टी के रहवासी हैं और मैं सच्चिदानंद अग्निहोत्री, दहनु करवाड़ी, कांदीवली। मास्टर जी, आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। राणा साहब, इनकी बस्ती के नजदीक लिंक रोड पर एक बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप के पास ही एक शराब खाना है। बस्ती की नौकरी पेशा लड़कियों को रात को आते वक्त काफी देर हो जाती है और उन्हें शराब खाने के पास से गुजरना पड़ता है और शराब खाने में बैठे गुंडे उनके साथ छेड़खानी करते हैं। कल तो एक गुंडे ने शराब के नशे में 2-3 की बेटी का हाथ पकड़ लिया था। मेरा बेटा आ रहा है। हाय डैड, मेरी गाड़ी का क्या हुआ? 25 लाख रुपए जमा करा के आया हूँ, जाते हुए डिलीवरी ले लेना। थैंक्स डैड। हाँ तो मास्टर जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि कल रात उस शराब खाने के गुंडे ने इनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटियां इनकी बेइज्जत हो रही हैं और वकालत आप इनकी कर रहे हैं, इन्हें क्या सामसूंग गया है? राणा साहब, ये लोग चाहते हैं कि वो शराब खाना आप वहां से हटवा दीजिए। आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। ये जानते हुए भी कि गोपाल अन्ना मेरा आदमी है, आपने उसके खिलाफ 12 आदमी लाकर मेरी ड्यूटी पर खड़े कर दिए। राणा साहब, आज 12 खड़े हैं, कल 200 खड़े होंगे, 2000 खड़े होंगे। जरा मुड़कर देखिए, आपके सिपाहियों ने तो मैदान छोड़ दिया। इस उम्र में इतना जोश अच्छा नहीं मास्टर जी। माँ, ये माँ तू जल्दबाजी मत करना, अगर पसंद नहीं आई तो अगले सोमवार दूसरी। ऐसे ही सोची थी मैंने। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। बिल्कुल सही है, जो एक बार देखे निहारता रह जाए। अब ये कहेगा तभी तो पैर छुएगी क्या? जीती रहे, जीती रहे।
क्यों चिल्ला रही है? आज एक बहुत बड़ा अनर्थ मैंने अपनी आंखों से देखा है गायत्री। हैवानियत का नंगा नाच मेरी आंखों के सामने चल रहा था और मैं फटी हुई आंखों से वो सब देख रहा था। एक तमाशा। होंठ भीचे हुए थे मेरे, गिग्गी बन गई थी मेरी। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने? बीचों बीच एक खुली सड़क पर कुछ गुंडे एक लड़की को पुलिस जीप में ले जा रहे थे और मैंने देखा उन गुंडों में जसपाल राणा का लड़का नागेश भी था। बिगड़ते हुए हालात, गुंडों का आतंक, दहशत और डर में जीने वाला एक आम आदमी, ऐसी ही कुछ तस्वीर है इस शहर की। शहर से गुंडा ताकतों को मिटाने के लिए पुलिस के हर नौजवान को आज कमर कसनी होगी। तालियां मत बजाइए, मत बजाइए तालियां। छोड़ो, मुझे पब्लिक का आदमी हूं, पब्लिक मीटिंग है ना ये। अरे सुनो, छोड़ दो ये नहीं। आइए मास्टर जी, आइए, आप इधर आकर बोलिए, आपको कुछ कहना है ना। राणा साहब यहाँ मंच पर खड़े होकर शहर के बिगड़ते हुए हालात पर अफसोस जता रहे हैं, पुलिस को मशवरा दे रहे हैं कि गुंडा ताकतों को काबू में कैसे रखा जा सके। कल रात माहिम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने एक लड़की की लाश बरामद की। लड़की का नाम था भारती सालूके। उस लड़की को कुछ गुंडे वर्ली नाके से उठा कर लाए थे और उन गुंडों में राणा साहब का बेटा नागेश भी था। तो मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। अब बताइए, पुलिस बढ़ाएगी इस कार्रवाई को आगे? अरे बताइए, पब्लिक मीटिंग है, बताइए, जवाब दीजिए इन्हें। अखबारों में छपी ये सच्चाई लोगों के घरों में पहुंच गई। शहर में कुछ लोग तो होंगे जिनकी आत्मा अभी तक नहीं मरी। वो लोग नागेश की गिरफ्तारी की मांग लेकर सड़कों पर उतर आएंगे और पुलिस को झक मारकर नागेश को गिरफ्तार करना पड़ेगा। राणा साहब, आप जरा मेरी परेशानी तो समझिए। आज वो मास्टर अकेला नहीं है, उसके साथ 50,000 लोग और उतर आए हैं सड़कों पर। रामले साहब, आप उससे चाहते क्या है? अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो मेरे साथ साथ आपको भी काफी नुकसान होगा। एक रास्ता है कामले। रामखोर, बड़ी जवानी चली है तेरे अंदर। क्या क्या कर रहे हो आप? देश के नाम पर धब्बा है तू। इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका अपराधी। बलात्कार जैसा घिनौना जुर्म किया है इसने। इसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। भूल जाइए कि जसपाल राणा का बेटा है। राणा साहब, आपने अपने सगे बेटे को सलाखों के पीछे खड़ा करके बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा काम मत कहिए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैंने तो एक अच्छे नागरिक की तरह अपना फर्ज निभाया है। इस केस को जरा आप अलग नजरिए से देखिए। 2-3 तारीखों में ही इसका फैसला हमारे हक में हो जाना चाहिए। मेरा बेटा नागेश सलाखों के पीछे जितनी रातें रहेगा उतना ही भारी पड़ेगा सबको। कामरे साहब, मैं जैसे जैसे कहता हूं वैसे आप करते जाइए। मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री सीधा है, सच्चा है, ईमानदार है और खास बात यह है कि वो दिल से काम लेता है। और जो दिल से काम लेता है उसके दिमाग पर चोट करनी चाहिए। गोली क्यों चलाई? गोली मैंने नहीं चलाई। गोली नहीं चलाई तो कबूतर कैसे उड़े? मुझे क्या पता कैसे उड़े। मास्टर जी प्रसाद लीजिए। आपने देखा, पंडित जी ने मुझे प्रसाद की जगह बिच्छू दिया। क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी, नीचे तो प्रसाद गिरा हुआ है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। इस तरह पीछे से दरवाजे से इस तरह चोरी चोरी क्यों ले जाया जा रहा है? शराब पी के गाड़ी क्यों चला रहे हो? अरे कहाँ शराब पी रखी है मास्टर जी, ये तो गाड़ी उल्टी क्यों ले जा रहे हो? गाड़ी तो सीधी चल रही है। देखो ये सब ठीक नहीं है। आइए उतरिए, आपका घर आ गया। अगर तुम बाबूजी को समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। इंसानियत के नाते जो उन्होंने किया सो किया, अब गुनहगार कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए ये तय करने के लिए बैठे हुए हैं लोग, ये उनका काम है। पता नहीं आगे जाकर बाबूजी की लड़ाई क्या मोड़ लेगी।
जज साहब, चित्रा सिनेमा की बाईं तरफ वल्ली विलेज को जो सड़क जाती है उसके पास कुछ रेलवे की पुरानी बिल्डिंग्स हैं। उन्हीं बिल्डिंग से उस लड़की को बाहर लाया गया था। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ जज साहब। मिस्टर अग्निहोत्री आप परेशान मत होइए। परेशानी तो किया जा रहा है मुझे जज साहब, मुझे दिमागी तौर पर अफाइज बनाने की कोशिश की जा रही है जज साहब। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ एक खेल खेला जा रहा है जज साहब। मैं कबूतरों को दाना डालता हूँ तो मेरी सुरक्षा में तैनात गार्ड मेरे पीछे खड़ा होकर ऊपर गोली चलाता है। पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से मुझे घर ले जाया जाता है तो जीप उल्टी चलाई जाती है। मैं मंदिर में पुजारी से प्रसाद मांगता हूँ तो प्रसाद की जगह मेरे हाथ में बिच्छू रख दिया जाता है। शराब की बोतल। बस बाबूजी, अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। अब सब कुछ मेरे सामने होगा। मेरे बाबूजी से क्या पूछा जाता है, क्या लिखाया जाता है, सब कुछ। कल हम लोगों ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, कहाँ था तू कल? अरे क्या बताऊं यार, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। इंस्पेक्टर, उस दिन कोर्ट के बाहर वो बैग तुम्ही ने दिया था ना? हाँ मैंने दिया था। तो फिर वो दारू की बॉटल भी तुम्ही ने डाली होगी? कहना क्या चाहता है तू? कि वो दारू की बॉटल उस बैग में तुमने डाली थी। कामले साहब, नागेश को 2 घंटे के लिए लॉकअप से बाहर निकाला और यह बात सिर्फ तुम्हारे खास लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। और आज रात के लिए मास्टर जी की सिक्योरिटी हटा दो। माँ ये दूध पी लो, फिर दवाइयां भी तो लेनी है आपको। आज पूरे 5 दिन हो गए विशाल को देखे। क्या कहते हैं वकील साहब, कब तक छूटेगा वो? वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विशाल जल्द से जल्द छूट जाए। कल हमने कोर्ट में अपील भी कर दी है, बस वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। 13 अक्टूबर को नागेश उसके साथियों को लड़की को उठाते मैंने जिस गाड़ी में देखा था वो एक पुलिस जीप थी। और ये हादसा रात को 11:30 बजे हुआ था। और जहां से खड़ा मैं सब कुछ देख रहा था उसके पास एक चर्च था। लेकिन कल रात को 1 बजे चेंबूर नाके पर नागेश ने जिस लड़की को उठाया था उसे उठाकर एक एम्बुलेंस में डाला था। और जहां से खड़ा मैं एक घटना देख रहा था उसके पास एक हनुमान मंदिर था। ये दोनों घटनाएं अलग अलग है वकील साहब, आपकी समझ में कुछ आया कि नहीं? इसका मतलब कल रात आपने ये घटना दोबारा देखी? हाँ मैंने एक घटना दोबारा देखी। माय लॉर्ड, मास्टर जी की दिमागी हालत को बेहतर समझने के लिए मैं आपके टेबल पर रखी हुई रिपोर्ट पर आना चाहता हूं। रिपोर्ट में यह साफ है उन डॉक्टर्स ने भी मास्टर जी को दिमाग की एक खास बीमारी का शिकार पाया। मैं समझ गया कि आप अदालत में यह साबित करना चाहते हैं कि सच्चिदानंद अग्निहोत्री जो इस वक्त इस गवाह के कटघरे में खड़ा है एक पागल आदमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं पागल आदमी नहीं हूं। मैंने वही बोला है जो मैंने देखा है और मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। और ये कह रहे हैं आप पागल साबित करना चाहते हैं? मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं ये कलम नहीं एक रिवॉल्वर है और इससे आदमी मर सकता है। आप जानना चाहते हैं कैसे? आप जानना चाहते हैं कैसे? ये देखिए ऐसे। कहते हैं कि बाप के शरीर को जब तक बेटे के हाथों आग न मिले उसे मोक्ष नहीं मिलता। और मैंने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है कि मास्टर की चिता को तेरे हाथों आग नहीं मिलेगी। इस आदमी के साथ यही होना चाहिए। बेटे के हाथों आग नसीब नहीं होनी चाहिए इसके शरीर को। जिंदगी भर सच्चाई और इंसानियत की पूजा करते रहे, इसे सजा तो मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना? हाँ तो सही है, जला दीजिए। चलो भाई लो लो, जला दो, बांधो इसे। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कामले, राग का ढेर सिर्फ ये सच्चिदानंद अग्निहोत्री नहीं बनेगा, बल्कि मेरे बेटे के क्रोध की आग से
जसपाल राणा से लेके तुझ तक सब बनेंगे ढेर। अच्छा राणा साहब, विशाल जेल तोड़कर भाग गया। कांबले साहब, ये खुशखबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत फूल गया होगा, तो अब अपराधी जेल तोड़कर भागने लगे हैं। चुप! मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि विशाल के ऊपर कड़ी नजर रखना, इडियट! नागेश कहाँ है? हेलो राणा, तेरे नागेश को चिता पे लिटा दिया है मैंने। क्या? तेरी वजह से मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाया था, मगर तू अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने उसे कपासवाड़ी के पीछे एक कटर के पास जलाया है। क्या हुआ राणा साहब? ये आग कैसी? ये आग नहीं, ये नागेश है, नागेश। दिखता तो तू इंसानों जैसा है, तो टांगे, मुंह, हाथ, सर, पर तेरी नस्ल, तेरी कौम कुछ और ही है। तू इस दुनिया से अलग है प्रधान, और हम अलग देखना चाहता है। देख, मेरे खून का रंग लाल है, तेरे खून का रंग लाल नहीं हो सकता। नागेश, तुम जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ कांबले साहब। कहाँ से बोल रहे हो इस वक्त? ये कोई मुकेश मिल नाम की जगह है, कुलाबा में, समंदर के पास। तुम फिक्र मत करो नागेश, मैं अभी वहां पहुंचा। इधर ऊपर कांबले साहब। नागेश, खोलो इसे। गाड़ी रोक, रोक गाड़ी। नागेश, नागेश, नागेश। राणा, याद है तुमने जेल में आकर मुझसे क्या कहा था? अब कैसा लगा मेरा बंदोबस्त? तुम्हारे दूसरे पक्ष को जान लेने के बाद चेक कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम्हारी उम्र कैद को कम करके सिर्फ 4 साल कर दिया जाए।